अल्लाह की याद आ गई कि अल्लाह ने नवाजा है तो खाने में खर्चा करो फलाना ढिमका, बाकी चीज़ों में तुम लोग को अल्लाह की याद नहीं आती। अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग 10% भी अल्लाह की बताए हुए राह पे चलते हो। माँ और भाई वहाँ पे मक्का में गए हैं अल्लाह के घर पे, भाई मांगना है तो अल्लाह से मांगो ना, वो लोग वहाँ पे जाके भी व्यूज़ के लिए भीख मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ने नहीं बताई है, अल्लाह अभी तुम लोग को बहुत याद आ रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में जो तुम लोग शिर्क करते हो, गुनाह करते हो, ना नमाज की हो ना रोजे को, तब अल्लाह याद नहीं आता है। लेकिन एक्सक्यूज देने के टाइम पे जो है तुम लोग को अल्लाह बहुत अच्छे से याद आता है। तो तुम लोग जो है ना अपनी सारी चीज़ों को जो है ना मोल्ड करके पेश करने में ना तुम लोग माहिर हो, बातों के तो तुम लोग माहिर हो, लेकिन जो जादू तुम लोग का पहले चला ना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है ना पब्लिक को तुम लोग की असलियत पता है कि जिम्मेदारी तुम लोग की कितनी है। भाई जिम्मेदारी है तो बाप और बहन की, छोटी बहन की जिम्मेदारी किधर है? अल्लाह वाले बन रहे हो कि अल्लाह ने दिया है, नवाजा है तो खाना चाहिए। तो अल्लाह ने बहुत सारी बातें ऐसी ही बोली है जिस पे भी हमको अमल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह की बातों के ऊपर तुम लोग अमल नहीं करते। लेकिन कल बड़ा अल्लाह जो है ना याद आ गए, इसीलिए आ गए क्योंकि बहाना देना था ना, एक्सक्यूज़ देना था, तो तुम लोग असल में खाने के लिए ही जीते हो। मतलब बरकातों, तो कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैर से। तो जी कल जो है नाजी आपा का व्लॉग देखा मैंने, जिसमें नाजी आपा और शेरू भाई जो है सफा ने अभियान शुरू किया था, अच्छी खासी सफाई की, लेकिन सफाई करने के बाद भी जो गंदगी उन लोगों ने फैलाई है वो गंदगी साफ़ नहीं हुई। गंदगी इन द सेंस झूठ जो उन लोगों ने फैलाया है, वो झूठ जो है ना अब हम लोगों ने पकड़ लिया है, तो हम लोगों की जो अच्छी थिंकिंग है वो तुम चेंज नहीं कर पाओगे आपा। अब आपा को जो है मिर्ची लगी थी शायद मेरे बातों के ऊपर से, ऐसे मैंने बोला कि जेल से छूटे हुए कैदी, मैंने कहा 2-3 ब्लॉग में एक साथ बोल दिया, तो आपा को कहीं ना कहीं बुरा लगा। अब जाहिर सी बात है खुद की फैमिली चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन कोई भी इंसान खुद की फैमिली के ऊपर जो है बात नहीं सुन सकता, और आपा में ये खासियत है कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत मरमर करती है। ये बात मैं जानती हूँ पर्सनली कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत मरमर करती है, उतना तो उसकी फैमिली उसको उसके लिए नहीं करती। तो सफाई अभियान में शेरू भाई ने ये बोला कि हमको तो घूमने का मौका इससे पहले भी मिला था, लेकिन हम जिम्मेदारी निभा रहे थे इसलिए हम नहीं घूम रहे थे, लेकिन इस बार हमने सोचा GFBF की तरह जो है घूमा जाए, ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। फालतू बकवास जो है शेरू भाई ने, सर पकाने वाली बकवास उसने की, लेकिन उसकी बकवास बकवास ही रह गई, क्योंकि हमको तो सच पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो शेरू भाई ने बहुत अच्छी बात की कि फैमिली के साथ रहना ये वो जॉन बहुत अच्छी बात है, भाई मैं ये खुद ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने जब भी अपने मामा के घर गई हूँ जॉइंट फैमिली ही देखा है, और वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मैं जब छुट्टियों में अपने मामा के घर जाती थी मेरे तीनों चारों मामा एक साथ, सारे भाई वगैरह सारे मामियाँ वगैरह एक साथ खाना बनाना, तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था और मुझे आने का मन भी नहीं करता था, बट माँ है कि मार मार के लेके आती थी वो अलग बात है। तो अच्छी फैमिली में रहना बहुत अच्छी बात है, अगर मेहनत ज़्यादा होती है तो खुशियाँ भी ज़्यादा होती है। वहाँ पे अगर एक इंसान बीमार पड़ता है तो दूसरा इंसान जो है दूसरी बहू जो है या फैमिली मेम्बर जो है उसके बच्चों को पाल लेते हैं, संभाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो सब एक जॉइंट फैमिली में होता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने भी देखा है मेरी माँ का फैमिली भी अभी अभी जाके अलग हुआ, अब तक जॉइंट ही थी, सारे भाइयों की शादी होने से लेकर बच्चे बड़े होने तक बेटों की शादी भी हो गई थी, 4-4 बेटों की, उसके बाद जाके अलग हुआ। लेकिन तुमने जो सफाई दिया ना शेरू भाई की जिम्मेदारी फलाना ढिमका जो है वो एकदम बकवास दी, क्योंकि तुम लोगों को कितनी जिम्मेदारी का एहसास है वो तो सबको पता है। जो इंसान खुद के बाप को मतलब कि जिम्मेदारी की बात करते हैं, खुद के अब्बा जान जो है तुम्हारे अब्बा नो डाउट अंकल बहुत अच्छे इंसान है, अंकल के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, वहीं के लोगों के बारे में सुना है, जो लोग तुम लोग की बुराई करते हैं वो तुम लोग के बाकी अच्छाई भी करते हैं। नो डाउट अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जितने अच्छे अंकल हैं उतने ही बुरे तुम लोग हो। जिम्मेदारी की बात करते, जिम्मेदारी क्या सिर्फ माँ और भाई की बीवी के साथ रहने में और हाँ ही करने में ही जिम्मेदारी निकलती है क्या? बाप की तरफ तुम लोग की कोई जिम्मेदारी? एक बेटे का हकूक तुम लोग तुमको नहीं लगता कि तुमको अदा करना चाहिए? बोलते कि अब्बा के बारे में बोलने के लिए इतना सब कुछ है फलाना है ढिमका, लेकिन किसी ने बोला रुक जा तो क्या मुहूर्त देख रहे हो? हर चीज़ का मुहूर्त देख रहे हो कि जफीर के लिए भी हमारे पास वीडियो है लेकिन अभी हम नहीं डाल रहे हैं, उसका भी शायद तुम लोगों ने कोई मुहूर्त देखा देख के रखा होगा। अब्बा के बारे में इतना सब कुछ बोलने के लिए है लेकिन उसके लिए भी जो है किसी ने रोक के रखा है, उसके लिए भी मुहूर्त देख के रखा होगा। तुम लोगों के पास बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन तुम लोग जो है ना हर चीज़ को मुहूर्त के अकॉर्डिंग शायद जो है ना पेंडिंग पे रखा है कि अच्छा मुहूर्त आएगा तभी हम बताएंगे, ऐसा कुछ है क्या?
चलो अब्बा के बारे में ना ही बताओ, लेकिन जिम्मेदारी के बारे में अगर बात कर ही रहे हो शेरू भाई, तो फिर अब्बा के ऊपर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस अब्बा ने तुम लोगों के अकॉर्डिंग, अब्बा ने जैसे कल बोला कि अब्बा ने हमको बहुत अच्छी जिंदगी दी है, बहुत अच्छा खिलाया है, ये किया है, वो किया है, देखो तुम्हारे अब्बा ने किया, अच्छी बात है तुम लोग के अब्बा ने किया, लेकिन तुम किसी के माँ बाप को, खुद के अब्बा को ऊपर उठाने के लिए अब्बा ने क्या बोला कि कुछ कुछ लोगों के माँ बाप तो लाखों कमाते लेकिन बच्चों को अच्छे से सब्जी तक भाजी तक नहीं खिलाते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपा जान, तुम्हारे बच्चों के लिए भी तुमको जितना करने का मन होगा वही मैं मुझे भी अपने बच्चों के लिए करने का होगा। तुम्हारे पास जितनी औकात है तुम उतनी औकात का कर रहे हो, मेरे पास जितना औकात करेगा मैं उतनी औकात का ही करूँगी। तो किसी के अपने माँ बाप को उठाने के लिए जो है ना, किसी के माँ बाप के ममता पे जो है ना उंगली मत उठाओ, और किसी के माँ बाप के ममता का जो है ना तोहीन मत करो। तुमको अपने अब्बा का एग्जाम्पल देना है, दो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बोलती हूँ कि मेरे हमेशा बोलते कि मेरे माँ बाप ने, मैं माँ बाप की इकलौती एक बेटी थी, मुझे एक मांगती थी तो मुझे दो तीन मिलता था क्योंकि मैं इकलौती ही थी। मेरे आने के दो साल बाद मेरा भाई आया, लेकिन लौती बेटी मैं ही हूँ, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके चक्कर में मैं अपने सास ससुर या बाकी और किसी माँ बाप को जो है ना मैं नीचा नहीं दिखा सकती कि अरे इनके माँ बाप ने नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इससे कहीं ना कहीं तुम्हारी मेंटेलिटी जो है ना वो तो जाहिर साबित हो ही जाता है कि तुमको अपने अब्बा को उठाने के लिए किसी और के माँ बाप को नीचे गिराने की ज़रूरत पड़ रही है। तो कितनी तुम्हारी मेंटेलिटी पाक साफ है, पहली बात नंबर वन वो पता चल गया। दूसरी बात, अगर जिम्मेदारी की बात आई है तो बहन को खुले सांड की तरह क्यों छोड़ दिया, बहन को भी घर में बुला के उसको दोबारा सेटल करवाना चाहिए था, है कि नहीं है। आप बोलेंगे कि अब्बा हमारे साथ घर में रहते, तो अब्बा अगर तुम्हारे साथ घर में रहते, कोई अगर इंसान हमारे साथ घर में, तो उनकी फिक्र और इनकी जिक्र हमेशा होती है, लेकिन अब्बा के बारे में उनकी फिक्र तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। आंटी जी बोलती है कि अब्बा को छोड़ के जो है 15 दिन के लिए कहीं नहीं गए, तो भाई अब्बा को छोड़ के अगर 15 दिन के लिए नहीं गए तो अब्बा को साथ लेके जाते। 82,000 का पैकेज था, मैंने पता करके पूछा उन लोगों से, जो है उनके बेटे से पूछा, बेटे के पास फ़ोन था उनके अम्मा का, हमजा नाम है शायद उनकी मम्मी का, तो उनके बेटे के पास ही फोन था, बोले कि नहीं नहीं ये मम्मी का नहीं, मेरा नंबर है, रियाज भाई ने जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। सो उनके बेटे से मेरी बात हुई, 82,000 का पैकेज है, जो पैकेज के मतलब कि जो ग्रुप में वो लोग गए हैं उन उस ग्रुप का पैकेज था 82,000। तो 82,000 चारों बच्चे कमा रहे हैं, और चारों बच्चे अगर 20,000 करके भी देना, आई एम श्योर कि बाप का उमरा तो हो ही जाएगा। तो अगर इतनी ही अब्बा की फिक्र थी तो अब्बा को साथ में लेके जाते, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक इंसान घर में रहता है तो ऑल द टाइम ताला लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो कभी कभी होता है ऐसा कि अब्बा घर में नहीं रहते, लेकिन ऑल द टाइम अब्बा घर में नहीं रहते ऐसा भी नहीं होता। ऑल द टाइम तुम ताला लगा के जाते हो, तुम लोग बाहर खाते हो, कभी मियाँ बीवी खाते हो, कभी भाई बहन बीवी खाते हो, तीनों खाते हो, अब्बा के लिए कभी नहीं आता है। नाजो अपा ने खाना पैक करवाया, चिकन का कोरमा वगैरह इन दोनों के लिए दिया, स्पेशली ये बोला कि ये दोनों जो है अकेले घर में, अब कौन किसके कौन खाना बनाएगा, तो वहाँ पर भी अब्बा का जिक्र नहीं आया। तो इतना भी है ना स्मार्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ओवर स्मार्ट बात बनो कि अपने ही झूठ में खुद फंस जाओ, चूतिया पंथी की हद होती है, ठीक है। दूसरी बात, इतनी ही जिम्मेदारी की जो इतनी फिक्र करते हो, तो भाई तुमको नहीं लगता कि बहन को भी खुले सांड की तरह बाहर ना घुमा के घर पे लाके बिठाना बहुत ज़रूरी है। तुम तो घर के बड़े बेटे जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी के लिए जो है तुम लोगों ने मियाँ बीवी जो है घूमने को नहीं जाते थे, लेकिन अभी अम्मी की याद इतनी आ रही है, घर इतना खाली खाली लग रहा है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके जो है तुम लोग घूम रहे थे। भाई ये शायद ही ऐसे कोई कपल होंगे जिनके शादी के बाद बीवी को इतनी मेहनत कराने के बाद, बीवी को अच्छे से रौंदने के बाद, पूरे घर का नौकरानी बनाने के बाद, माँ के एब्सेंस पे उनको बीवी को गर्लफ्रेंड बनाने का मन होता है। तो ये जो बेवकूफ वाली बातें हैं ना आपा और शेरू भाई, ये थोड़ा कम ही करो तो ही अच्छा है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना तुम लोग समझते हो। खुद को स्मार्ट समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अपने से दूसरे वाले लोगों को जो है ना कम भी नहीं समझना चाहिए। तुम लोग के जॉइंट फैमिली में रहने से या तुम लोग के घूमने फिरने खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग अपने पैसों से खा रहे हो, लेकिन तुम लोग का जो तरीका है और जिस गलती करने के बाद तुम लोग अपनी गलती को
दबाने के जो तरीके हैं तुम लोग के वो गलत है, ठीक है। वो सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों को कितना मौका मिलता है घूमने का माँ भाई बहनों के साथ रहने के बाद, और कितना नहीं, तुम लोग के रिश्तों में कितनी जिम्मेदारियाँ है। अगर इतने जिम्मेदार तुम लोग होते ना तो 12 बजे जो है सो के नहीं उठते। जिम्मेदार इंसान 12 बजे तक नहीं सोता है। जिम्मेदार इंसान जो होता है ना उसकी जो सुबह ना वो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, उसकी आँख जो है ना वो जिम्मेदारी के चलते सवेरे खुल जाती है। जैसे कि हमको पता है कि सवेरे उठ के मियाँ काम पे जाएगा, डब्बा पैक करना होता है, घर का करना होता है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ करके यूट्यूब का नींद बेच के मैं पैसे कमा रही हूँ। जो होता है ना एक औरत का पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो कमर सीधा करने का थोड़ा वक्त मिलता है, उस वक्त मैं अपना लिटरली, मैंने आज अब्बा को भी बोला कि जी मुझे बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, रीज़न क्या है बाद में बताऊँगी। इबू पापा बोले सो जा, मैंने बोला नहीं, मैं अपना नींद बेच के जो है ना, मैं अगर सो जाऊंगी तो जो भी थोड़े बहुत मैं अर्न करती हूँ वो भी मैं अर्न नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अपना नींद को जो है ना बेच के मैं कमाती हूँ, अभी अगर मैं सो गई तो 2 पैसे नहीं आएंगे। तो उसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी इंसान को सोने नहीं देती है, पहली बात तो ये है। तुम लोग अगर जिम्मेदार होते तो बहन का जब तलाक हुआ ना, तलाक भी बहुत सोच समझ के करवाते, और तलाक करवाने के बाद बहन का सब खुला सांड की तरह नहीं छोड़ देते थे। तो जिम्मेदारी की बात तो कर ही मत। तुम लोग की अगर अम्मा नहीं रहे ना तो तुम लोगों की जिंदगी जो है ना वो आगे नहीं चल पाएगी, कि तुम लोग की जिंदगी पूरी की पूरी जो है ना तुम लोग की माँ चलाती है। जिम्मेदारी की बात मत करो। बात रही कि सिक्के के 2 पहलू, तो सिक्के के दोनों पहलू ही तुम लोगों ने दिखा दिए हैं, डिवोर्स से लेके शादी से लेके हर चीज़ का जो है ना तुम लोगों ने दिखा दिया है। और रही सवाल कुछ हिडन जो साइड्स होते हैं ना, अगर हमने वो नहीं देखा तो वो भी हम भाप लेते हैं। बहन जो है डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही, लेकिन भाई के व्लॉग में आके हाँ ही कर रही। खुद के घर में रहते टाइम व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही, ये तो हमको भी पता है कि क्यों नहीं कर रही, घर में कौन है और उसके लाइफ में क्या हो रहा है। दूसरी बात, भाई बहन के घर जाता है लेकिन छोटी बहन बहन के घर में नहीं जाती। तो सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हो ना, तो तुम लोग के सिक्के की दूसरे पहलू जो तुम लोग बताते भी नहीं है ना वो भी हम भाप लेते हैं कि भाई जा रहा बहन के घर लेकिन छोटी बहन अपनी बहन के घर नहीं जा रही। छोटी बहन भाई के पास आ रही, मायके आ रही, लेकिन अपनी बड़ी बहन के पास नहीं जा रही। बड़ी बहन और भाई मिल के जा रहा है कहाँ पे, वो दरगाह पे, लेकिन छोटी बहन साथ नहीं है। तो दोनों बहन जो आमना सामना नहीं करते, और आमना सामना करते तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की तरह यहीं करके बात कर लेते। सिक्के की दूसरी पहलू को बात करते हो ना तो वो दूसरी पहलू भी हमको समझ में आता है। हम भी इंसान है, हमारे भी सिक्स सेंस है, और हमारे सिक्स सेंस भी हमको बहुत कुछ बोलता है। सफाई अभियान तो बहुत अच्छे से दिया भाई बहन दोनों ने, लेकिन सफाई अभियान जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। करते रहो सफाई, अपनी सफाई देते रहो, हम अपना साइड बोलते जाएंगे जो हमको लगेगा। हम एलिगेशन लगा नहीं लगा रहे, हम किसी के ऊपर ऐसे झूठे तोहमत नहीं लगा रहे। एलिगेशन और तोहमत एक ही चीज़ होती है, जो हमको महसूस होता है हम वही बोलते हैं, दैट्स इट। और इससे अगर किसी को मिर्ची लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भाई तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हमको महसूस होता है। हम देख रहे हैं ना अपनी आँखों से कि सिक्के के दूसरे साइड में ये भी है कि बहन बहन में लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो चुकी है, बहन बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। अब मेरी वीडियो के बाद शायद बहन बहन एक दूसरे के घर जाए, जब मैंने बोला जिनी मायके नहीं आती उसके बाद से जिनी मायके की वीडियो में आने लग गई। लेकिन जिनी अपने घर में वीडियो शूट नहीं करती, क्यों भाई? जिनी भाई के वीडियो में भी कैमरा पकड़ सकती है, शूट कर सकती है, या फिर भाई के वीडियो में भी आ सकती है, लेकिन खुद के टाइम पे वीडियो क्यों नहीं बना रही? वीडियो स्टॉप क्यों होगा बनाना? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो बाद में जाके पता चलेगा। अब्बा के बारे में बोलने के लिए इतने सारे चीज़ें हैं, लेकिन किसी ने बोला अभी मत बोला, अभी रुक जा, मुहूर्त देखेंगे फिर अब्बा के बारे में बोलेंगे। जफीर के लिए भी इतने सारे बोलने को, लेकिन अभी रुक जा, अभी मुहूर्त नहीं है। सो ये जो फालतू बकवास की जो बोलते ना ज्ञान जो है शेरू भाई, वो मत दिया करो, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारी बीवी की तुम्हारे घर में जो है ना इज्जत कितनी है, और तुम्हारी बीवी जो है ना तुम्हारे घर में किस तरीके से जीती है सबको पता है। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि जॉइंट फैमिली रहना बहुत गलत है। इनफैक्ट मैं खुद बोल रही थी कि अच्छा हो एटलीस्ट हर औरत को वो क्वालिटी टाइम अपने पति और अपने बच्चों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है ना अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते कहीं कहीं थक जाता है एकदम, मतलब कि वो बोर हो जाता है अपने लाइफ से। तो समटाइम एक औरत को ब्रेक मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है।
खासकर वो फैमिली जिस फैमिली में ना देवरानी का कोई सपोर्ट है काम काज में, ना सास का कोई सपोर्ट है बच्चों को संभालने में, तो कहीं ना कहीं नूर एग्जॉस्ट हो जाती है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात तुम लोग के तरीके की है कि तुम लोग जिस तरीके से कहीं पे जाके पेश आते हो, वैसे वो मेहंदी वाले, अब क्या पता तुमने 900 रुपये दिया है कि नहीं दिया है, बोला तो है तुमने 900 रुपये, अब ऑनलाइन तुमने सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन ऑनलाइन जब तुमने ट्रांजेक्शन किया वो अमाउंट तो नहीं दिखाया, अब वो 900 का है क्या 100 का है वो हमको नहीं पता, तुमने सिर्फ मुंह से बोला। और तुम लोग मुंह से तो बहुत सारे झूठ भी बोल लेते हो, बेटे को फ़ोन किया, बेटे ने खाया कि नहीं वो हालचाल पूछने के लिए भी तुमने वो भी शूट किया, अब मेहंदी वाले ने क्या क्या बोला वो भी शूट किया, मेहंदी लगाते टाइम वो भी शूट किया, लेकिन पेमेंट देते टाइम पेमेंट कितना दिया वो भी नहीं शूट किया। वहाँ पे जाने के बाद भाई सिद्धि क्या कौन सा था वो, कल मैंने वीडियो में बोला था कौन सा वो पाव भाजी का दुकान था, वहाँ पे ही स्पेशली क्यों खाना है, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए गए थे बिना स्वार्थ के, तो तुम लोग अपने बाप को भी ना खिलाओ, अपने बाप को भी नहीं भेजा तुम लोगों ने उम्रा पे, तो बिना स्वार्थ के तुम लोग कुछ करोगे क्या। लेकिन बाहर जाने के बाद तुम लोग का जो एक होता है ना एकदम मतलब कि ऐसे पेश आते, एक होता है ना डिसेंसी, एक क्लास होती है कि भाई बैठो पहले मोल भाव करो, देखो चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद सुकून से बाहर जाने का वो हफ्सी लोगों की तरह जो तुम लोग करते हो ना उसके उससे प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर शूट कर रहे हो तो एक थोड़ा डिसेंट वे में बिहेव करो। नूर को तो सिर्फ खीखी 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 के अलावा कुछ आता नहीं है, चलो ठीक है भाई किसी किसी का आदत है ज़्यादा हंसने की, घर भी तुम लोग वैसे ही गंदे रखते हो, सिंक में भी इतने सारे बर्तन जमे हुए थे जिस दिन उन लोगों ने क्या बनाया था वो खिचड़ी या पुलाव बनाया था, पुलाव में उसने राय डाली थी, हाँ पुलाव तेरे को याद है बेटा मेरे बेटे को याद हो गया, तो पुलाव बनाया था सिंक में इतने इतने सारे बर्तन जमे हुए थे, क्या काम करते हो, और वीडियो एडिट को कितना टाइम लगता है, मैं 3 बजे बैठती हूँ, 3 बजे बैठती हूँ और 6 बजे उठती हूँ, 3 घंटे में 2 वीडियो अपलोड, 2 वीडियो एडिटिंग, 2 वीडियो शूटिंग सब करती हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग को क्या दिन भर लगता है कि हम के बेवकूफ़ समझ के रखते। और जो तुम लोगों ने जो ये ज्ञान दिया ना, ये भाई बहन ने मिलके अब्बा ने रिकॉर्डिंग करा ये करा, उस ज़माने में जो है लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता था, फलाना नहीं मिलता था, रामायण का ये रामायण का वो कार्ड नहीं था, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा है शेरू भाई के आज से कम 30-35 साल पहले की बात होगी, और आज से 30-35 साल पहले तो ब्रिटिशर्स का ज़माना नहीं था, ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। इनफैक्ट पहली मूवी इंडिया में कौन सी आई थी, डायरेक्टर कौन था, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस कौन थे, जो भी सारी चीज़ें थी वो भी नेट में सर्च करो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे अब्बा का गाया हुआ गाना या जो भी सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगा, वैसा तो हो नहीं सकता, तो बेवकूफ़ बनाओ इतना भी मत बनाओ कि कभी तुम किसी को बोलो कि तुम्हारे अब्बा का क्या गाय का फैक्ट्री था, कभी तुम किसी को बोलो कि मेरा अब्बा रामायण में गाते थे या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो अपना एक ही वर्डिक्ट रखना, तुम्हारे अब्बा जो करता है ना काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई। मैं खुले में बोलती हूँ कि मेरे बाप का कपड़े का दुकान है, और मैंने बचपन से अपने बाप को जो है कपड़े घड़ी करते, औरतों को कपड़े दिखाते हुए साड़ियाँ दिखाते हुए ही जो है मैं बड़ी हुई हूँ, मैं देख के बड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अब दुकान है कस्टमर आएंगे तो उनको साड़ी तो दिखाना पड़ेगा, साड़ी तो घड़ी करना पड़ेगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ में स्टिक रहो जो चीज़ सही हो, क्योंकि एक झूठ को दबाने के लिए ना 100 झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखे, दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो ज़रूर शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।